नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। मुझे माफ कर दीजिए बालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। पैसे के लालच में आकर मैं भी पाप का भागीदार बन गया था, लेकिन कुंवर जी की मौत, ये लोग कुंवर जी को मार डालेंगे ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। ये सब क्या हो गया बालकिन, ये सब क्या हो गया, क्या हो गया? चलिए जल्दी कीजिए, इससे पहले कि कोई और दुर्घटना हो जाए हम ये शहर ही छोड़ देंगे। चलिए जल्दी कीजिए, चलो बहू चलो, हम इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे। चिंतामणि, चप्पा चप्पा छान मारो, वो तीनों जिंदगियां कल का सूरज ना देखने पाए। भाभी जी, इतना बड़ा अनर्थ हो गया और आपने मुझे खबर तक नहीं दी। क्या बताएं शर्मा जी, पुरखों का बसा बसाया घर उजड़ गया। आपने भरोसा भी तो बहुत किया धीरेन्द्र प्रताप पर। और करती भी क्या, रवि तब एक बच्चा था, मैंने सोचा था वक्त के साथ अपने आप जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा, लेकिन वक्त ही मेरे बच्चे को खा गया। आप फिक्र मत कीजिए भाभी जी, मैं धीरेन्द्र प्रताप को उसके पापों की सजा दिलवा कर रहूंगा। नहीं भाई साहब नहीं, मुझे तो अपना रहा सहा बचाना है। एक बात याद रखिए भाभी जी, अब आप अकेले भी नहीं है और बेसहारा भी नहीं। मैं तेरा दुख समझती हूँ बेटी, पर जीना तो पड़ता ही है। क्यों माँ जी, आखिर क्यों जीना पड़ता है? क्योंकि तू मेरी आंखों के सामने रहेगी तो मेरे भी बाकी दिन कट जाएंगे। बताइए माँ जी, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? एक चीख मेरे सीने के अंदर छुप कर बैठी और बाहर आने के लिए तड़प रही है माँ जी, मैं क्या करूँ माँ जी, मैं क्या करूँ? बस हौसला रख मेरी बच्ची, हौसला रख, वक्त ही तेरे जख्मों पर मरहम रखेगा। अभी आओ, दिखाई नहीं देता। राजल इंसान इंसान नहीं है, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें क्या सिखाया हा? क्या सिखाया राजल? क्या सिखाया? मुझे कुछ नहीं पता। क्यों बेड़ा लगा के हटिए, जाओ रे, जाओ रे, अरे छोड़िए आप, छोड़िए आप, छोड़िए, ये काम आपका नहीं हमारा है। अरे पुलिस रमाकांत साहब के बेटे क्या बिगाड़ेगी? छत ये रमाकांत साहब, अरे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है ये। जिसने माँ को ही नहीं देखा और उसकी कदर क्या जाने भैया। अमीरों को पैसा कमाना तो आता है, औलाद पालनी नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तुम्हारी वजह से मुझे उस दो कौड़ी के इंस्पेक्टर के सामने झुकना पड़ा। तुम्हें जरा फिक्र नहीं कि इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी एम्पायर का इकलौता वारिस कुछ नहीं करता सिवाय आवारा गर्दी के। तुम ये शायद भूल सकते हो कि तुम रमाकांत सहाय के बेटे हो, मगर ये शहर नहीं भूल सकता। मैंने तो आपसे आपका नाम, आपका बंगला, आपकी दौलत, ये सब तो नहीं मांगा था ना। बिना मांगे मिला है ना तुम्हें, इसलिए तुम ना शुक्र हो, एहसान फामोश हो, वरना तुम भी लाखों लोगों की तरह किसी गंदी नाली में पड़े रहते, किसी कचरे के ढेर के नीचे दबे होते। लेकिन इससे कहीं बेहतर होता, कम से कम आपके नाम के बोझ तले तो नहीं दबा रहता। क्या बकते हो, सुनते हैं आप लेकिन समझते नहीं है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, एक घटना है, एक हादसा है कि मैं आपका बेटा हूं और आप मेरे बाप है।
देर रुकना भैया, हम अभी आते हैं। अच्छा सर। फूल ले लो ना, साहब ले लो ना फूल। ये लो बेटी। अच्छा पंडित जी नमस्कार। चलो भैया चलो। आपके फूल हमारे नहीं है। अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें भाभी जी, जायदाद तो फिर काजल के नाम चली गई है। अब वो लाख सर पटक ले, एक कौड़ी उसके हाथ नहीं जाने दूंगा। और अगर उसने कोई चाल चलने की कोशिश की तो कानून जंजीर बनके उसका गला घोट देगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन अगर उसके कानों को हमारे यहाँ होने की भलक पड़ गई तो? अरे भाभी जी, इस बात की आप बिल्कुल चिंता न करें। आओ बेटी, यहाँ रख। अरे बस बस, जीती रहो। तेरी गीत है राजा, तेरी जान। क्या हुआ राजा? राजा का बच गया बाजा। क्या बाजा? बाजा तो जाए। क्या बाजा? अरे क्या हुआ है, क्या हुआ है, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है। आखिर कौन सी कयामत आ गई है? जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो अकेला रहने को जी करता है, और जब अकेला होता तो तुम्हारी तरफ भागता आता हूँ मैं। राजा तू तो ऐसा नहीं था यार मेरे, वो राजा किधर गया? अरे मर गया वो राजा, उतना आया हूँ मैं उसे खुद इन हाथों से अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली है मैंने। जानते हो हर वक्त उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने उभरती है, और मैं तस्वीर से हर वक्त कहता हूँ कि जा, चली जा यहाँ से, पीछा मत कर मेरा। लेकिन हर बार उसका चेहरा ऐसे उभरता है मेरे सामने जैसे बादलों में से चांद निकल आया। अरे यार तुम लोग तो मेरे दोस्त हो ना, तुम बता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तुझे इश्क हो गया है, अब तो अपनी जिंदगी को खुदा हाफिज कर डाल। इश्क हो गया है मुझे? मोहब्बत हो गई है मुझे? राजा को मोहब्बत हो गई है? मोहब्बत हो गई है मुझे, 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 मोहब्बत हो गई है मुझे। नहीं राजा नहीं, अगर इतनी ही बेचैनी है उठा लेंगे उसे, तू फिक्र मत कर मेरे यार, कल होली है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तू फिक्र मत कर। नहीं ये
क्या बदतमीजी है? मैं बेबस हो गया। छोड़ो हमारा रास्ता। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन हम आपसे प्यार नहीं करते। मगर किसी को प्यार करने से तो रोक नहीं सकते। क्या करूं? बोलो क्या करूं कि तुम्हें यकीन आ जाए। जान दे दो, जान दे दो। हमने ऐसा तो नहीं कहा। जान बख्शने का शुक्रिया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सुनो मेरी बात, सुनो। जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसके लिए इससे पवित्र स्थान और कोई नहीं हो सकता। मैं देवी देवताओं को हाजिर नजर मानकर कहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। छोड़ो मेरा हाथ। मैं कहती हूं छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। क्या चाहते हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? आखिर क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? सुन सकोगे? हिम्मत है? मेरा ख्याल छोड़ दो। मेरा एक अतीत है, एक माजी है। किसी की विधवा हूं मैं। काजल, क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ क्या बेटे? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? मैं जीना नहीं चाहती माँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। मुझे मौत क्यों नहीं आती? ना बेटी, ना मेरी बच्ची, मुझे मौत। ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। शांत हो जा, शांत हो जा। और हम चाहते हैं कि स्टील में भी सहाय इंडस्ट्रीज नंबर वन बन जाए। अंदर इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, सहाय साहब बहुत बिजी हैं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? राजू बाबा, यहां सब राजू बाबा, अरे सुनो तो। यस बेटा। डैड, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। प्लीज एक्सक्यूज अस जेंटलमैन। कम ऑन। फरमाइए अपना जरूरी काम। मैं शादी करना चाहता हूं। मालूम है बरखुरदार की शादी करने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है। जानता हूं डैड, लड़की मैंने देखी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है डैड। छोटी सी उम्र में बेचारी विधवा हो गई। तुम होश में तो हो? तुम जानते तुम क्या कह रहे हो? कल ये अखबारों की हेडलाइन होगी कि रामाकांत सहाय के खानदान की बहू एक विधवा है। यू आर मैड। यस आई एम मैड, लेकिन बहुत चाहता हूं उसे, मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। अच्छा अच्छा, तो ये वही लड़की है जिसकी वजह से तुम हवालात गए थे? लेकिन डैड। ओह कम ऑन राजा, एक आवारा और बदनाम लड़की के साथ शादी करके हमारे खानदान के नाम को दागदार मत करो। एक्सक्यूज मी डैड, आप जानते हैं आप अपने होने वाली बहू के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरी भी सुन लो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तो फिर आप भी सुन लीजिए, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की से, और इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती, आप भी नहीं। सुना, इससे पहले कि चिंगारी आग बन जाए, उस लड़की को शहर बदर कर दो। Thank you.
प्लीज, रमाकांत सहाय को कौन नहीं जानता? बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है इस देश के, किंग मेकर। अरे लाखों रुपया चंदा देते हैं इलेक्शंस में और सूद समेत वसूल भी करते हैं। और आज ये बहुत बड़ा कारनामा करके आए हैं, एक बेचारी मजलूम औरत और उसकी विधवा बहू पर इनके गुंडों ने हमला किया। और कसूर, लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका बेटा उस लड़की से शादी करना चाहता है। राजा, आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। खूब जगह चुनी है, सबके सामने मुझे रुसवा कर रहे हो। यह बात घर पे भी हो सकती थी। घर का मतलब समझते हैं आप? अरे आप तो लोगों के बसे हुए घर उजाड़ते हैं। राजा ये मत भूलो, तुम अपने बाप की बेइज्जती कर रहे हो। अगर आप बाप का मतलब समझते ना तो अपने बेटे की खुशियां ना उजाड़ते। तुम हद से गुजर रहे हो राजा, तुम ये बेजा हरकत कर सकते हो? आखिर पानी की बुलबुले की उम्र क्या होती है? तुम्हारा ये बाप रमाकांत सहाय जिंदगियां बनाता है और जिंदगियां उजाड़ता है। अरे तो आज से मैं इस बाप बेटे के रिश्ते को ही खत्म करता हूं। ये तुम गवाह है। अरे ठोकर माता हूं ठोकर, तुम्हारे इस नाम दौलत और शरत को। और एक बात और याद रखना कि आज के बाद अगर किसी ने उस घर की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, रमाकांत सहाय। सब कुछ छोड़ आया हूं मैं, वो दुनिया ही छोड़ आया हूं मैं, वो नाम, वो दौलत, वो जायदाद, वो पाप, सब कुछ छोड़कर तेरे पास आ गया हूं मां। मैं तुझसे काजल की भीख मांग रहा हूं। लेकिन बेटा, जानते हो काजल तो? जानता हूं माँ जी, लेकिन इसमें काजल का क्या कसूर है कि वो एक विधवा है? अरे अगर दोष देना है ना माँ जी तो उस भगवान को दो। ये सब जानते हुए भी? माँ जी, पर बेटा वो मुझे काजल दे दे माँ, मैं जमाने भर की सारी खुशियां समेट कर उसकी जिंदगी आबाद करना चाहता हूं। बस मैंने प्यार किया है माँ, प्यार किया है मैंने। मैं काजल के बगैर रह नहीं सकता मां, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे काजल दे दे मां, मैं तुझसे काजल की भीख मांगने आया हूं। काजल तुझे दे दे मां। बेटी, मैं अपनी जिंदगी काट चुकी हूं, अपने हिस्से के दुख सह चुकी हूं, अब और कितने दिनों तक जिंदा रहूंगी? कौन मां अपनी बहू से कहेगी कि उसके बेटे की यादों को भुला दे? हां काजल, मैं कह रही हूं तुझे पहाड़ जैसी जिंदगी काटनी है। तूने देख लिया ना, इस छोटी सी जिंदगी में देख लिया ना, या तपती दोपहर में भेड़िए घूमते हैं, हर मर्द मौके की तलाश में है, धात लगाए बैठा है कि कहीं कोई औरत अकेली मिल जाए उसे। राजा यहां फरिश्ते की तरह आया है बेटी, उसने इस घर में बेटे की तरह कदम रखा है और वो तुझसे प्यार करता है। ये जमाना बहुत बुरा है बेटी, ये तुझे जीने नहीं देगा। इसे तो सीता मां को नहीं बख्शा और तू तो बेटी। काजल, मां कट जाएगी जिंदगी उनकी यादों के सहारे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती माँ जी,
अर्जुन की यादों से तो अलग न करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी माँ जी, मैं मर जाऊंगी। बस कर, जब भी मैं तुझे इस सफेद लिबास में देखती तो मुझे अपने को क्यों जा जाने का एहसास होता है। अगर मैं तिलकिल मर के जी रही हूँ तो तेरी खातिर, लेकिन मैं हमेशा तो तेरे साथ नहीं रहूंगी। और आज ये लड़का आया है अपना सब कुछ छोड़कर, सारी दुनिया से बगावत करके तेरी दुनिया आबाद करने, और तू कह रही है कि तू ये शादी नहीं करेगी। तुझे ये शादी करनी होगी माँ जी, मेरी खातिर, मेरी ममता की खातिर। अगर तू ये शादी नहीं करेगी तो अपनी माँ का मरा मुंह देखेगी। राजा आगे बढ़, इससे पहले कि ये समाज अपने घिसे पिटे रीत रिवाजों से कोई रुकावट डाले, भर दे इस मासूम की मांग। मैं कहती हूँ बेटा, भर दे इसकी मांग। मेरा पहला और आखिरी प्यार हो काजल, ना तुमसे पहले मैंने किसे मोहब्बत की है और ना तुम्हारे बात करूंगा। जिंदगी का हर एक पल तुम्हारा है, मैंने अपने अपने दिल की हर एक धड़कन तुम्हारे नाम कर दी है। मगर मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में किसी और की यादों का बसेरा है, और ये स्वागत सिर्फ दो जिस्मों का ही नहीं, दो आत्माओं का मिलन होती है। और जब तक मैं तुम्हारे दिल में अपनी चाहत के रंग ना भर दूं, मैं तुम्हें छूंगा तक नहीं। कैसी लगी हमारी मोटे? छोड़ना यार, काय को तुम कर दो गरीब आदमी को। गरीब आदमी, गरीब की सूरत तो देखो, सुभान अल्लाह। हाथ नहीं लगाना, अब हम घर घर सी वाले हो गए। अब तो मेरी एक बीवी है, माँ है, दुनिया में सबसे अच्छी माँ। उनके लिए कुछ कमाना भी तो पड़ेगा ना। अरे यार, तुम लोग तो जानते ही हो मुझे कुछ काम काज तो आता ही नहीं। अरे यार, मेरा मतलब है कि अगर... मतलब छोड़ यार, मैं बोलता मैन, मेरे डैडी का एक गैराज है जो कब से बंद पड़ेला है, हम सब फ्रेंड लोग मिलकर उसे खोलते हैं। जान मेरी, पहले हम गाड़ी तोड़ा करते थे, अब जोड़ेंगे। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे मेरा बेटा। चार चम्मच भर कर
डाली चीनी। वो तो लग रहा है। अरे कोई लॉटरी लग गई है क्या तेरी? मेरी लॉटरी तो तू है माँ। ये देख 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 तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कैसा लगता हूँ? माँ मेरी ये साड़ी वगैरह में चॉइस तो है नहीं, तो जैसी मिली वैसी ले आया। और ये मेरी पहली कमाई। तेरी पहली कमाई मेरे लिए? मेरी पहली कमाई मेरी प्यारी सी माँ के लिए। तूने माँ की उजड़ी हुई गोद भर दी है मेरे लाल। भगवान तेरी कमाई को बरकत दे। बस माँ तू इसी तरह सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिए जा, और फिर देखना तेरा बेटा जमाने भर की खुशियां लाकर तेरे कदमों में डाल देगा। शर्मा जी। धीरेन्द्र प्रसाद जी आप आइए आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। शहर आया था, सोचा कि आपसे मिलता चलो, आखिर आप हमारे खानदान के पुराने सॉलिसिटर जो ठहरे। शुक्रिया इस गरीब को याद किया। कहिए क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? शर्मा जी ऐसा लगता है अब तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? हाई कोर्ट ने लक्ष्मी देवी के उस वसीयतनामे को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने अपनी आधी जायदाद मेरे बेटे के नाम लिख दी थी। अब मेरा बेटा तो रहा नहीं और दूसरा कोई वाली वारिस भी नहीं बचा है। अब सारी जायदाद मेरे नाम करने में आपकी सरकार को पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है। दरअसल बात यह है धीरेन्द्र जी कि अदालत का सारा कारोबार सबूत पर चलता है और आज तक लक्ष्मी देवी, रवि और काजल की लाशें बरामद नहीं हुई है। यानी आप यह चाहते हैं कि मैं उन तीनों की लाशों को ढोकर अदालत के सामने पेश करूं? और अब तक तो उन लाशों को चील कौवे भी खा चुके होंगे शर्मा जी। आप ठीक कहते हैं लेकिन सरकार को तो सबूत चाहिए। अगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वो मर गए हैं तो अदालत के पास क्या सबूत है कि वो जिंदा है? सबूत सबूत तो एक है, कुछ कच्चा पक्का सा। शर्मा जी जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहे हैं आप। आप मुझे गलत ना समझें। ये देखिए लक्ष्मी देवी ने अपनी मौत से पहले एक नई वसीयत तैयार की थी जिसके मुताबिक उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपनी बहू और उसके होने वाले बच्चे के नाम कर दी है। ये तो नकल है, असली कागजात तो अदालत में जमा है और अगर 6 महीने तक कोई सबूत नहीं मिला तो सरकार सारी जायदाद जब्त कर लेगी। आधी बात तो आपने बता दी शर्मा जी। और आधी आप पता कर लीजिए। सॉलिसिटर है शर्मा, तुम्हारा काम है शर्मा के सर पर चील की निगाह बनकर मंडराना। वो कहां जाता है, किस किस से मिलता है, हमारा मकसद पूरा करने के लिए शायद तुम्हें लाशों के ढेर लगाने पड़े। बदले में हम तुम्हारे सामने नोटों के ढेर लगा देंगे। पेश की।
कैसा है? अब आए ला बाप, गाड़ी कब की ठीक खड़े ली? लाला ट्राई मार के आता। स्टार्टिंग में लफड़ा है थोड़ा, बरोबर चेक कर ला है। हाँ चेक कर लाता हूँ अभी। अरे राजा जाते हुए थिएटर देख लेना। ओके भाभी जी, मैं डैनी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो डैनी। राजा भैया जीप लेके निकले थे, उनका उनका एक्सीडेंट हो गया है। काजल, काजल कहाँ जा रही है बेटी, क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब, ये पट्टी वट्टी मत लगाइए, मेरी माँ परेशान हो जाएगी। आप तो बच्चों की तरह कर रहे हैं, फिक्र मत कीजिए। अरे मैं तो नौजवान हूँ, मेरी माँ जरा छोटी सी है, जरा आराम से। अरे काजल, काजल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काजल, काजल मैं ठीक हूँ। चलो काजल, क्या हुआ था, कहाँ चली गई थी बिना बताए? मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? पूछिए ना उनसे, खबर लीजिए इनकी। अब बताइए कहाँ गई थी आप, क्या हुआ था? हाँ बेटी, बेटी कुछ, अरे ये पट्टी कैसी लगी हुई है, क्या हुआ? अरे माँ अब तू शुरू हो गई। कुछ नहीं हुआ, छोटी सी खराश आई है। वो क्या है ना कि अब मैं जीप में जा रहा था। हाँ। अब मैं जा रहा था तो जा रहा था, और यूं ही जाते जाते थोड़ी सी ब्रेक फेल हो गई। क्या, तेरी चोट नहीं आई गई? अरे माँ कुछ नहीं हुआ, देखो ना आपके सामने खड़ा हूँ, हट्टा खट्टा वन पीस, देखो ये कान नाक आँख सब बराबर है। उसने भी मेरी बात नहीं सुनी, चली गई। तभी उस तरह भाग के चली गई थी। हाय हाय, मेरी तो जान निकल गई थी। बेचारी ने कुछ खाया पिया भी नहीं है, उसका व्रत है आज। व्रत? आज करवा चौथ है बुद्धूराम, तुझे नहीं पता? तुम औरतों का भी अजीब है, अच्छे भले आदमी को देवता बना देती हो। देखा काजल, मैंने आज तुम्हें पाई लिया। हाँ राजू। क्या कहा? राजू एक बार फिर से कहो, मुझे आज तक किसी ने इस नाम से नहीं पुकारा। राजू 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 राजू। धोखा तो नहीं हुआ? माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, लेकिन शर्मा जी गम तो ये है कि मैंने अपने बेटे को पाकर फिर से खो दिया। हो सकता है वो भी आपको ढूंढ रहा हो। वो ढूंढेगा तो पाया हुआ भी खो देगा। भाभी जी, रवि को काजल के बारे में पता चलेगा और काजल रवि के बारे में जानेगी। ये वक्त हमें क्या दिखा रहा है? वक्त के आगे किसी की नहीं चलती, इसलिए वक्त पर ही छोड़ दीजिए। अगर रवि इस शहर में है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा।
शर्मा जी को यहाँ से ऑफिस शिफ्ट किए हुए काफी टाइम हो गया। उनका कोई नया पता होगा आपके पास? जी मुझे मालूम नहीं। अबे देख के चल, गार्डन में चलता क्या? मक्का लगा के दे। देखना पकड़ा रहा है। चल माल निकाल, माल देख सके, चल माल निकाल, निकाल। काफी गहरा है, वैसे घबराने की कोई बात नहीं, सुबह तक इनको होश आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। वैसे इनके साथ आपका रिश्ता क्या है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। नहीं थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। आप कब आए? चांद छुपने के बाद और सूरज निकलने से पहले। मेरे चांद, मेरे सूरज, इतनी देर आप कहाँ रहे, पूछ सकती हूँ? हाँ पूछ सकती हैं आप। वो क्या हुआ कि मैं तो घर ही आ रहा था कि रास्ते में मैंने एकदम देखा कि एक आदमी को कुछ गुंडों ने घेर रखा है। बेचारा अकेला था तो मैं भी कूद पड़ा उसके अंदर, यू नो, जंप टप 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 जंप करके मदद की, थोड़ी सी डिशुम हुई और अभी अभी मैं उसको अस्पताल छोड़कर सीधा घर वापस आया। ये दूसरों की आग में कूदना कब से सीखा आपने? कौन जाने, इनमें से कोई अपना ही हो। अब कैसा है वो? बेहोश था, डॉक्टर ने कहा है सुबह तक होश आ जाएगा। वो अस्पताल में है, उसके घर वाले, किसी को कुछ खबर नहीं, बेचारा। हेलो। अब कैसी तबीयत आपकी? आप शायद राजा हैं? जी हाँ। मैं आराम से, आराम से। थैंक यू जी। आप बताइए जनाब, आपका कोई घर, कोई रिश्तेदार जिसको खबर कर दें? माँ है पर उसका पता शहर में, अजनबी हूँ। लगता है ये शहर रास नहीं आया आपको। मुझे तो जिंदगी ही रास नहीं आई। माफ कीजिएगा, मैं आपके जख्म को रेंदना नहीं चाहता था। अब तो दर्द का एहसास भी जाता रहा। मैं आपका कोई दर्द नहीं बांध सकता। आपने मेरी जिंदगी बचाई, मैं इसका एहसानमंद हूं। अब तो हर ख्वाहिश भी मर गई है, मौत भी आई तो आंख चुरा कर निकल गई। आखिर क्या चाहती है जिंदगी मुझसे? दोस्त कोई अधूरा काम है जिसे आप पूरा करने वाले हैं, सच मानिए। चलिए ये तमाशा भी देख लेते हैं। काका जी आप देख रहे, आजकल माझी कुछ खोई खोई सी रहती है, जैसे उनका ध्यान कहीं और हो।
है ना? क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं, तबीयत तो ठीक है ना? Happy birthday to you. Thank you. अगर सरकार की इजाजत हो तो हम आपका जन्मदिन बहुत ही ज्यादा धूमधाम धूम 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 धूमधाम से मनाना चाहेंगे। और अगर हम इजाजत ना दे तो तब भी आप मनाएंगे? जरूर मनाएंगे। तो फिर पूछते क्यों हो? सिर्फ आपका दिल रखने के लिए। जानती हूँ, मगर इसे धूमधाम से मनाने की क्या जरूरत है? काजल, जो दिन, जो घड़ी, जो खुशी, जो भी जिंदगी में मिले उसे बटोर लो, क्योंकि ना जाने कल ये दिन, ये घड़ी, ये खुशी फिर मिले ना मिले। आजकल मैं अच्छी बातें करने लगा हूँ ना? मेरा सर है जनाब। ऑफ कोर्स। अच्छा, अब आपका दोस्त कैसा है? काजल, सिर्फ दो दिनों में एक अजनबी इतना गहरा दोस्त बन जाएगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आप उनके बारे में इतनी बातें करते हैं, मैं भी उनसे मिलना चाहूंगी। नो प्रॉब्लम, मिलवा देते हैं ना। आज शाम को पार्टी पर उन्हें भी बुलवा लेते हैं। एक बात कहूँ? कहिए। माँ जी कल से बहुत बेचैन है, बात बात पर चौक उठती है, हर वक्त जैसे उनका ध्यान कहीं और। अरे कोई बात नहीं ना, आज शाम को उनका भी मन बहल जाएगा, मेरे दोस्त से मिलेंगी तो बहुत खुश होंगी, समझो कि एक और बेटा मिल गया उन्हें। क्या? अच्छा, अब इजाजत है? हमें भी शाम का इंतजार रहेगा। तो मैं जाऊं? जाओ। पक्का जाओ? हाँ जाओ, बिल्कुल चला जाओ। हाँ, चला गया ना मैं। Happy birthday to you. Happy birthday. My God. क्या सोच रहे दोस्त? अपनी बची हुई जिंदगी का हिसाब किताब कर रहा था। तुम अब अच्छे हो गए यार, आप सब फटाफट ठीक हो जाएगा। मुझसे क्या उम्मीद रखोगे तुम राजा? मैं तो खुद अपनी परछाई हूँ, दिल तो है लेकिन उसकी धड़कन का कुछ पता ही नहीं चलता। मैं तो बस जीने के नाम पर जिए जा रहा हूँ। यार अभी जानते हो, मैंने आज तक जिंदगी में कुछ नहीं किया, ऐसे ही बेकार, लेकिन खुशकिस्मत हूँ कि प्यार ने मेरी जिंदगी को मायने दे दिए, और अभी मैं तुम्हें अपने प्यार से मिलाना चाहता हूँ दोस्त। मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाना चाहता हूँ, जिसने अपनी ममता की दौलत से मुझे मालामाल कर दिया। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टालना चाहता राजा, लेकिन ये लेकिन बेकिन का चक्कर बिल्कुल नहीं है। आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है और तुम्हें मेरे घर में आना ही पड़ेगा। आज तुम्हारी भी पत्नी का जन्मदिन है? तो मैं जरूर आऊंगा। आओ रवि। हेलो। हेलो राजा। वेलकम वेलकम। तुमने यहाँ आकर हम सब पे बहुत एहसान किया। आओ तुमको अपनी माँ से मिलाता हूँ। आओ माँ। माँ इनसे मिली, ये है मेरे दोस्त रवि, और रवि ये है मेरी माँ, जिनके कदमों के नीचे ही मेरी जन्नत है। बेटा, तुझे गले लगाते ही माँ के कलेजे को ठंडक पड़ गई। तुम्हारे कदमों में जन्नत है माँ, भटके हुए को भी मंजिल मिल जाती है। क्यों जी मम्मी? रवि इधर आओ, हम तुमको अपने प्यार से मिलाते हैं, लेकिन जरा दिल थाम कर रखना, बिजली गिर जाएगी। काजल, क्या ख्याल है? आज तुम्हारी सारी बातें सच हो रही हैं। खुश हो बैठा हूं। मैं जानता था। एक मिनट काजल, काजल चलो जरा दिलों पे छुरी चलाने की रस्म भी पूरी कर ले। क्या? कम 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 कम। देख नानी
कोई, देखो ना फ्यूम क्या हो रहा है। सब कैसे हो गया माँ? मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी बेटा, सब कुछ। काजल तो विधवा होकर जी रही थी, कदम कदम पर ठोकरें थी मेरे बच्चे, और सहारा कोई ना था। फिर राजा एक बेटा बनकर आया, और मेरे कहने पर रवि, काजल ने वक्त के आगे अपना सर झुका दिया। पर तू था कहाँ मेरे बेटे, तू कहाँ था? कौन जाने कहाँ था माँ। बहुत से दिन वही ने मेरी जिंदगी के कैलेंडर से किस्मत में फाड़ के फेंक दिए थे। जान बच गई। वक्त का दरिया न जाने मुझे कहां बहा ले गया। सब भगवान की कृपा। कुछ गांव वालों ने मुझे बचाया, ये तो बस तेरी भक्ति और कर्मों का फल था माँ, जो मैं बच गया। जान तो बच गई, लेकिन होश न था। और जब होश आया तो तुम लोगों की याद आई, और जब याद आई तो हवेली पहुंचा। हवेली सुनसान, मुंह खोले दर्द की कहानी सुना रही थी। कौन है भाई? तो कुंवर जी, आपकी मौत की खबर सुनने के बाद धरेंद्र प्रताप ने माँ जी और बहू रानी पर बहुत जुल्म ढाए। पता नहीं अब वो जिंदा भी हैं या। और आप लोग आज मिले भी तो। कितना बड़ा अनर्थ हो गया मेरे हाथों, मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया बेटे। एक लफ्ज ने कितना दूर कर दिया है ना हमको। जमाने ने मुझसे ये अधिकार छीन लिया है कि मैं तुम्हें सुनू कहूं। इसमें कसूर किसका है बता सकते हो रवि? मेरा, तुम्हारा या किस्मत का? मैं तो एक बेजुबान कुड़िया की तरह हमेशा खामोश खड़ी रही। तुम मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आए और मौत बनकर चले गए, लेकिन मैं अंधेरे और उजाले की चौखट पर खड़ी हमेशा तुम्हें पुकारती रही। पर मैं ठहरी औरत जात अपने बारे में कैसे फैसला कर सकती थी? हाँ, और मेरी किस्मत देखो काजल, मैं मरकर भी ना मर सका और ना जी कर जी सकता हूँ। मौत आती है तो आग चुरा कर निकल जाती है। हालात ने मुझे कैसे दोहराए पर लाकर खड़ा किया है। अब तुम आए हो तो फैसला करके जाओ रवि। मैं ना ही खुदा हूँ और ना ही कोई भगवान। अब तो शायद मैं इंसान भी नहीं रहा, बस एक परछाई बनकर रह गया हूँ। जो गुजर गया उसे तो मैं बदल नहीं सकता। तुम्हें तुम्हारा आज मुबारक हो। चलो चले। हाँ बेटा, यही मुनासिब है। तू खुश रहे मेरी बच्ची, आबाद रहे, दुनिया की सारी खुशियां तुझे मिले। चल बेटे। राजा मेरे दोस्त, कुदरत के कानून को बदलने की कोशिश मत करो। तुम नहीं बदल सकते, दुनिया की कोई भी ताकत इसे नहीं बदल सकती। अरे मैं तो गुजरा हुआ कल हूं, लेकिन तुम हो काजल का आज। कल आज मैं कभी बदल नहीं सकता। राजा, thank you.
अभी धीरेंद्र प्रताप वो अपनी जिंदगी जी चुका है शर्मा जी, उसे मैं अब नहीं छोड़ूंगा। उसे मेरे अपनों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, और फिर मुझे भी तो अपनी जिंदगी से कुछ काम लेना है। कौन हो तुम लोग, अंदर कैसे चले? अपन तुम्हारे वास्ते धीरेंद्र प्रताप का मैसेज ला रहे हैं। ज्यादा गर्मी दिखाने का कोई काम नहीं है, राजा और काजल अपन का कब्जा में है, समझा? राजा और काजल भाभी जी, कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को जिंदा देखकर। रवि बेटे, तुम्हें तो सचमुच गले लगाने को दिल करता है, कहां चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? कमबख्त, मौत भी तुम्हें रास नहीं आई, बार बार ये कर्म मुझसे क्यों करवाते हो तुम? काजल और राजा कहां है? इतनी जल्दी क्या है बरखुरदार, थोड़ा इंतजार करो। मैंने जायदाद के लिए जिंदगी भर इंतजार किया है। भाभी, आपको इन कागजात पर दस्तखत करने होंगे, मेरे जवान बेटे की मौत की जरा सी कीमत है ये। पहले काजल और राजा। देखा, भाभी हमारी सबसे ज्यादा समझदार है, हमेशा मेरी बात मानती रही है। की नजर में मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते, वरना जिंदगी खुद परेशान हो जाती।
मार दूंगा और ये लड़की फिर से विधवा हो जाएगी। लगाने का चाचा शरीर बदल जाएंगे, आत्माएं वही रहेंगी, मैं फिर लौट कर आऊंगा किसी और रूप में।